Wild Fairy Tales. एक बार की बात है, एक दूर देश में एक जोड़ा था जो एक छोटे से घर में सुख और शांति से रहता था। पत्नी गर्भवती थी जिसने पति को बहुत खुश कर दिया था, हालांकि वे जानते थे कि वे बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे। उनके घर के पास में एक रहस्यमय पड़ोसी रहता था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। बाहर एक हरा भरा बगीचा था और सुनहरे गुलाब वहां सबसे कीमती पौधे थे। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास बच्चे को पालने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा। इस स्थिति में हमारे पास पड़ोसी के कुछ सुनहरे गुलाब चोरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रहस्यमय बगीचे के सामने खड़े होकर आदमी बहुत डर गया था, लेकिन आखिरकार उसने बगीचे में घुसने का फैसला किया। जब उसने चुपके से सुनहरे गुलाब ले लिए थे तो दरवाजा अचानक से खुल गया। पड़ोसी ने जो देखा वो गौथल थी, दुष्ट जादूगरनी। वो जानती थी कि उसके पड़ोसी के बच्चे के जादुई सुनहरे बाल होंगे जो लोगों को अपनी जवानी बनाए रखने में मदद करेंगे। मैं उस बच्चे का फायदा उठाकर एक कीमती दवा बनाऊंगी जिससे मुझे अपनी जवानी को फिर से हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जानने पर कि गौथल एक जादूगरनी है, वो आदमी वास्तव में भयभीत हो गया। वो उससे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांग रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा जीवन तो छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हारा बच्चा चाहती हूँ। निश्चिंत रहो, उसे अच्छे से पालूं, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अमीर जो हूँ। लेकिन ये मेरा एकमात्र बच्चा है, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं दे सकता। तो क्या तुम चाहते नहीं कि बच्चा मेरे साथ अमीरी में रहे या गरीबी में तुम्हारे साथ मर जाए? कोई और रास्ता नहीं था और आदमी भी चाहता था कि उसका बच्चा अमीरी में रहे। उसे गौथल की बात से सहमत होना पड़ा। कुछ दिनों बाद जादुई सुनहरे बालों के साथ एक सुंदर बच्ची पैदा हुई। गौथल ने उसका नाम रुपेंजल रखा और बच्चे को तुरंत अपने घर ले आई। हालांकि गौथल ने केवल उसके सुनहरे बालों के लिए रुपेंजल को अपनाया था, लेकिन रुपेंजल के भोलेपन और क्यूटनेस ने आखिरकार गौथल के अंदर के शैतान को जीत लिया, जिससे उसे अपने असली व्यक्तित्व में आने में मदद मिली। लड़की धीरे धीरे एक अतिरिक्त लंबे सुनहरे बालों के साथ बड़ी हुई। गौथल वास्तव में रुपेंजल के बालों को ध्यान से रखती थी। हर बार जब गौथल उसके बालों में कंघी करती जो गिर जाता था और उस पर शोध करना शुरू करती थी। रुपेंजल के माता पिता को भी उसे वर्ष में एक बार देखने की अनुमति थी, लेकिन वे केवल उसे दूर से देख सकते थे। एक रात जब रुपेंजल सो रही थी, गौथल चुपके से उसे एक ऊंचे मीनार पर ले गई जो उसने जंगल के बीच में बनाया था। हे भगवान, पिछली रात क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? इस मीनार में सीढ़ियाँ नहीं थी और रुपेंजल की खिड़की ही मीनार का एकमात्र प्रवेश द्वार थी। रुपेंजल इस मीनार के अंदर ही बड़ी हुई और वह अधिक से अधिक सुंदर होती गई, लेकिन वो हमेशा अकेला महसूस करती क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। हर दिन गौथल सुबह निकल जाती थी और देर रात में वापस आती थी। हर बार जब उसे मीनार के अंदर आना या बाहर जाना होता था तो वह रुपेंजल को आवाज लगाती। रुपेंजल, रुपेंजल, अपने बालों को नीचे डाल दो। उसके बाद रुपेंजल तुरंत अपने लंबे सुनहरे बालों को नीचे कर देती ताकि गौथल को मीनार में चढ़ने पर मदद मिल सके। माँ, मुझे हर समय इस मीनार में अकेले क्यों रहना पड़ता है? मैं सभी के साथ खेलने के लिए वहाँ नीचे क्यों नहीं आ सकती, पौधों और जानवरों के साथ? मेरे प्रिय, मैं दुनिया के बुरे लोगों को आपके जादुई बालों को नुकसान पहुंचाने से रोक रही हूँ। वहाँ बहुत सारे खतरे होंगे, खासकर दुष्ट लोग। वो आपको धोखा देने और हर समय नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ भी खतरनाक होता है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब रुपेंजल फिर से आज्ञाकारी हो गई। वो ऊंचे मीनार में अकेली रहती थी। जिस दिन से गौथल रुपेंजल के साथ गायब हो गई थी, उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि रुपेंजल कहाँ है। उस दिन एक आदमी आया जो खो गया था।
वो उनके घर के पास से गुजरा। प्रिय सर मैडम, मैं राजकुमार एडम हूँ। यहाँ पहुँचने से पहले मैं बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहा था। बाहर बहुत अंधेरा है, क्या आप मुझे एक रात यहाँ रहने दे सकते हैं? तो आपकी एक बेटी है जिसका नाम रोपेंजल है ना? अब कहाँ है वो? हाँ राजकुमार, गौथल एक जादूगरनी है जिसने कई वर्षों से उससे हमसे छीन रखा है। अब वो 20 साल की हो गई होगी। गुथेल एक जादूगरनी ने उसको कई वर्षों से हमसे छीन लिया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूँगा। अगली सुबह एडम ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक उसने जंगल से एक सुंदर आवाज सुनी। ओह, इस जंगल से आवाज आ रही है, ये आवाज कितनी मधुर है। एडम ने आवाज का तब तक पीछा किया जब तक उसे एक ऊंची मीनार नहीं दिख गई जहाँ रोपेंजल रहती थी। वो खिड़की के पास खड़ी होकर गाना गा रही थी। ओह, मुझे लगता है कि मुझे इस आवाज से प्यार हो गया है। वो कौन है? अरे नहीं, कोई आ रहा है। एडम हड़बड़ी में झाड़ी में छिप गया। जल्द ही उसने गौथल को आते हुए देखा। रोपेंजल, रोपेंजल, अपने बालों को नीचे डाल दो। रोपेंजल तुरंत अपने लंबे सुनहरे बालों को नीचे कर देती ताकि गौथल को मीनार में चढ़ने पर मदद मिल सके। तो इस मीनार के ऊपर चढ़ने का ये रास्ता है और उसका नाम रोपेंजल है। अगले दिन गौथल के जाने का इंतजार करने के बाद राजकुमार एडम खुशी से मीनार के नीचे गया। उसने गौथल की आवाज की नकल की। रोपेंजल, रोपेंजल, अपने बालों को नीचे डालो। माँ तो अभी अभी निकली है, इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकते हैं? उसकी आवाज भी बहुत अजीब लग रही है, क्या कोई समस्या है? हालांकि रोपेंजल ने फिर भी अपने बालों को नीचे डाल दिया। राजकुमार एडम जल्दी से उसके पास आ गया और बालों को पकड़कर मीनार के ऊपर चढ़ गया। रोपेंजल पहले किसी भी आदमी से नहीं मिली थी तो वो एडम को देखकर पहले काफी डर गई। नहीं, आप मेरी माँ गुथेल नहीं है, आप कौन हो? मुझे अपने बाल नीचे नहीं गिराने चाहिए थे, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि आप सभी अजनबी बहुत बुरे होते हैं। अरे अरे नहीं, कृपया यहाँ से चले जाओ। चिंता मत करो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं एडम हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पहुँच गया। उन शब्दों को सुनकर रोपेंजल शांत हो गई। अब उसे राजकुमार से डर नहीं लग रहा था। उसने वह फूल भी ले लिए जो एडम उसके लिए लेकर आया था। और मैं रोपेंजल हूँ, मैं इस मीनार के अंदर ही रहती हूँ। यहाँ पर कई संयोग हो रहे हैं। इसका नाम रोपेंजल है, इसके लंबे भूरे सुनहरे बाल भी हैं। इसका मतलब बात करने के चतुर और मजाकिया तरीके से एडम जल्द ही रोपेंजल के साथ बात करने लगा। वे एक दूसरे के साथ जल्द ही घुल मिल गए और पूरे दिन खुशी से रहे। उस दिन से सुबह में गौथल के जाने के बाद एडम फिर से रोज वहां आ गया। उसने उसे बाहर की दुनिया के बारे में दिलचस्प कहानियां बताई। उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो गया। एक अकेली लड़की जिसे ऊंचे मीनार में रहना पड़ता था, रोपेंजल एक खुश और फुर्तीली लड़की के रूप में बदल गई। बाहर जाने की उसकी इच्छा उसके मन में और बढ़ गई। एडम ने रोपेंजल का एक चित्र बनाया और उसके माता पिता के घर पूछने के लिए गया। उन्होंने तस्वीर देखते ही तुरंत अपनी बेटी को पहचान लिया। हाँ, ये वही है, मेरी बेचारी छोटी बच्ची। राजकुमार एडम, कृपया हमारी मदद करो, कृपया उसे उस जादूगरनी गौथल से छुड़ाओ। चिंता मत करो, अपने जीवन के प्यार के लिए मुझे यकीन है कि मैं उसे बचा लूंगा। आप लोग जल्द ही एक साथ होंगे। क्या तुम मेरे साथ बाहर आना चाहोगी? तुम पौधों और जानवरों के साथ खेल भी सकती हो। मैं वास्तव में ये चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ से अनुमति मांगनी होगी, उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की है। नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो गौथल एक जादूगरनी है। आपके माता पिता बाहर हैं, वो आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती, मेरी माँ एक जादूगरनी कभी नहीं हो सकती। उसने बचपन से ही मुझे पाला है, मेरा अच्छे से ध्यान भी रखा है, और हाँ बिल्कुल, वो सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। उसी क्षण उन्होंने अचानक बाहर से लड़ाई की आवाजें सुनी। वे तुरंत खिड़की की तरफ भागे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। गौथल और एक अन्य जादूगरनी जो कि झाड़ू पर सवार थे, एक दूसरे के खिलाफ डट कर झगड़ा कर रहे थे।
वो डोना थी, गोथेल की सबसे बड़ी दुश्मन। गोथेल, तुम भी मेरी तरह ही बूढ़ी और बदसूरत लग रही हो, जैसे कि मैं पिछले पुराने दिनों में थी। कैसे, तुम्हारे जादुई बाल अभी भी छोटे हैं। डोना, तो वो तुम थी? तुम ही थी वो जिसने मुझे अतीत में नुकसान पहुंचाया था, नोलन ने नहीं। हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हें पूरी तरह से गलत थी जब मैं इन सारी चीजों का दोष नोलन पे लगा रही थी। आज तुम्हें उस सब के लिए भुगतना पड़ेगा जो कुछ भी तुमने मेरे साथ अतीत में किया था। अंत में रोपेंजल को पता चल गया कि गोथेल एक जादूगरनी है, लेकिन वह अभी भी उसके लिए चिंतित महसूस कर रही थी। एडम, कृपया मेरी माँ की मदद करो। लेकिन रोपेंजल, आप जमीन पर कैसे नीचे उतर पाएंगी? रोपेंजल को बहुत सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने जादुई सुनहरे बालों को काटने का फैसला किया। उसने बालों को खिड़की के कोने में कसकर बांध दिया और तेजी से एडम के साथ जमीन पर फिसल गई। माँ, लड़ाई के सबसे तनावपूर्ण क्षण में रोपेंजल को अपनी ओर दौड़ते हुए आता देखकर गोथेल को झटका लगा। रोपेंजल, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम्हारे बाल? एकदम बढ़िया, उसका ध्यान भटक गया। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। डोना ने तुरंत जादू करके चुपके से उस पर हमला किया। एक बड़ा सा पत्थर जमीन से उठा और गोथेल को मारकर उसे दूर गिरा दिया। अब कोई भी नहीं जो तुम्हें बचा सके। तुम मुझ पर चुपके से हमला कैसे कर सकती हो? तुम बहुत घिनौनी हो। अब कोई भी नहीं जो तुम्हें बचा सके। उसी क्षण रोपेंजल आ गई। उसने जादू को रोकने के लिए एडम की ढाल का उपयोग किया। ढाल ने प्रकाश को प्रतिबिंबित कर दिया, जिससे डोना चकाचौंध हो गई। मौका पाकर एडम ने तलवार को डोना के राजदंड की ओर घुमाया, जिससे वो टूट कर आधा हो गया। इसका इंतजार करना गोथेल, हमारा झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं वापस आऊंगी। रोपेंजल, तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम्हारे बाल? और ये कौन है? गोथेल को आखिरकार पता चला कि रोपेंजल को सारी कहानी पता चल गई है। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जादुई सुनहरे बाल काट दिए। माँ, मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं वहाँ से मुक्त होना चाहती हूँ और अपने माता पिता से फिर से मिलना चाहती हूँ। आप अब भी मेरी माँ रहेंगी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अक्सर आपसे मिलने के लिए यहाँ आते रहेंगे। गोथेल को आखिरकार पता चला कि रोपेंजल को सारी कहानी पता चल गई है। हालांकि दुखी होकर गोथेल भी अपनी बेटी की इच्छा से सहमत हो गई। रोपेंजल की देखभाल करने में मेरी मदद करें। हाँ माँ। एडम ने धीरे से रोपेंजल के छोटे बालों को छुआ, जादू हुआ और उसके बाल पलक झपकते ही लंबे और ज्यादा लंबे हो गए, बिल्कुल पहले की तरह। अभी ये क्या जादू हुआ? मैं समझ गई। यदि मेरा सच्चा प्यार मेरे बालों को छूता है तो वो पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। ये इस जादुई बालों की ताकत है। नोलन, वो कहाँ गया होगा? उसके बाद एडम रोपेंजल को उसके माता पिता के घर वापस ले गया। कई वर्षों तक अलग रहने के बाद आखिरकार वे फिर से एक साथ खुशी से रह सकते थे। वे एडम के माता पिता से मिलने के लिए उसके साथ महल गई। राजा इतने खुश हुए कि वो शादी के लिए तैयार हो गए। हर कोई खुशहाल और शानदार शादी के इंतजार में था। लेकिन किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि राजा के बगल में खड़ा पुराना मंत्री ध्यान से सब सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। रोपेंजल और उसके प्रेमी के बारे में कहानियां अभी और भी है। देखते रहें और अगले भाग का इंतजार करें। रोपेंजल सुनहरे बालों वाली राजकुमारी। सभी ने लंबे बालों वाली राजकुमारी रोपेंजल की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन क्या आपने कभी जादूगरनी गोथेल के अतीत के बारे में सोचा है? तब तक माँ, जिसने लंबे समय तक रोपेंजल को हिरासत में रखा, उसके बदलाव का कारण क्या था? बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में गोथेल नाम की एक नौसिखिया जादूगरनी रहती थी। भूरे सुनहरे बालों के साथ वो बहुत ही सुंदर और हसमुख थी।
उसकी एक दोस्त भी थी जिसका नाम था डोना। वो भी एक जादूगरनी थी। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि गोथल डोना के साथ सब कुछ बांटती थी और किसी को नहीं पता था कि वो दोनों जादूगरनियां हैं। मैं इन बालों के गुच्छे का प्रयोग हर किसी की मदद करने के लिए, नई दवाइयों का पता करने के लिए करूंगी। गोथल को फूल उगाने बहुत पसंद थे। वो शुद्ध सोने के गुलाब बना सकती थी जो दुनिया में एक ही तरह के थे। शहर में नोलन नाम का एक आदमी रहता था। वो न केवल सुंदर और अमीर था बल्कि गिटार भी बहुत खूबसूरती से बजाता था। नोलन कई महिलाओं का सपना था, हालांकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी सुंदर हैं। नोलन उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। सौंदर्य लंबे समय तक नहीं रहेगा, मैं एक अच्छे दिल वाली लड़की के प्यार में पड़ना चाहता हूँ। गोथल को पहली बार देखने पर नोलन उसकी स्पष्टता और ईमानदारी देखकर उसके नशे में चूर हो गया। उसकी जादुई औषधि लेने के बाद हर रोगी तुरंत ठीक हो जाता था। कभी कभी लोगों ने गोथल को आकाश की ओर देखकर आवाहन करते हुए देखा। वो अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए मंत्र पढ़ रही थी जो सूखे को खत्म कर सके। गोथल कितनी खूबसूरत है, क्या ये वही है जो हमेशा हर जगह अच्छी चीजें लाती है? सही, ये इस शहर की सौभाग्य की परी लगती है। जैसा कि नोलन गोथल के लिए प्रशंसा से भरा था, उसने उसको जानने का मौका ढूंढ लिया। नमस्ते, मुझे तुम्हारी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। मैं नोलन हूँ, आपका एक बड़ा प्रशंसक। धन्यवाद नोलन, आप इस शहर में बहुत ही लोकप्रिय है। मेरा नाम गोथल है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तब से नोलन ने गोथल का पीछा किया। वो हर दिन उसकी रोजाना के काम में मदद करने के लिए आता था। धीरे धीरे वे दोनों प्यार में पड़ गए और गोथल ने भी नोलन से कुछ नहीं छुपाया। तो तुम एक जादूगरनी हो? ये एक रहस्य है, लोगों को जादूगरनियों से बहुत नफरत है। चिंता मत करो, मैं गांव वालों को कुछ भी नहीं बताने का। मुझे तुम पर विश्वास है। गोथल ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त डोना को ये कहानी सुनाई, लेकिन गोथल को ये नहीं पता था कि डोना भी नोलन को पसंद करती है। गोथल और नोलन को प्यार में देखकर उससे इतनी जलन हुई कि वो हर तरह से गोथल को सताना चाहती थी। डोना ने पूरे शहर में अफवाह फैला दी कि गोथल एक दुष्ट जादूगरनी है, लेकिन कभी किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। गोथल एक जादूगरनी है, क्या हास्यजनक बात है। बकवास, दुष्ट जादूगरनी केवल बुरा काम करती है। जबकि वो हमेशा इस शहर में अच्छी चीजें लाती है। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता। खैर, बस इंतजार करो और देखो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन पूरा शहर ये जानकर हैरान रह गया कि किसी ने जहर का इस्तेमाल करके उनके खेतों को नष्ट कर दिया। अपराधी ने सुगंधित इत्र का भी इस्तेमाल किया जंगली भेड़ियों को आकर्षित करने के लिए, ताकि वो गांव वालों के जानवरों को पकड़ ले। रात में कई और चोरियां और विनाश हुए, जिसने लोगों को बहुत भ्रमित और नाराज किया। उस दिन जब गोथल जड़ी बूटियों की खोज करने गई, तो डोना ने चुपके से उसके घर के आसपास चोरी की वस्तुओं को बिखेर दिया। गांव वालों ने जल्दी से सड़क पर बिखरे हुए सामान की खोज की और सभी उन्हें गोथल के घर तक ले गए। ये मेरा कपड़ा है जो कल रात चोरी हुआ था। मेरा घोड़ा जो एक दिन पहले लापता हो गया था, वो यहाँ पर बंधा हुआ है। और ये मेरे चोरी किए हुए गहने हैं। ग्रामीणों ने इस खबर को फैलाया और जल्दी से गोथल के घर के आसपास हमारा सभी सामान यहाँ है। जाहिर है गोथल ही अपराधी है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। हम तुरंत जान जाएंगे अगर हम उसके घर के अंदर जाएं तो। सही बात है, चलो पता लगाने के लिए दरवाजा तोड़ दो। तब ग्रामीणों ने गोथल के घर का दरवाजा तोड़ दिया। वह लोगों का बल नहीं सह सका और जल्दी टूट गया। फिर डोना के साथ सब आए और घर की तलाशी ली। उन्होंने घर के अंदर फेंके गए सामानों का जल्द ही पता लगा लिया। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, डोना ने चुपके से गोथल को बदनाम करने के लिए जहरीली औषधि निकाल ली। अरे देखो, मुझे यहाँ क्या मिला। देखो, वो जहर वाली औषधि है।
हमें पक्का करने के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए। ये देखते हुए कि फूलों के बगीचे तुरंत बर्बाद हो गए और सुगंधित औषधि के मटके के कारण भेड़िए भी आ गए, ग्रामीणों को तब अपने संदेह पर यकीन होने लगा। गठेल, इससे पता चलता है कि वो एक जादूगरनी है। मैं विश्वास भी नहीं कर सकता कि उस खूबसूरत और पवित्र चेहरे के पीछे एक खलनायिका थी। देखा, मैंने आप सबको पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, तो सब कुछ इस तरह से हुआ था। ग्रामीण उत्तेजित हो उठे, वे पूरी तरह से सुनिश्चित हो गए थे कि गौथल एक तुष्ट जादूगरनी है। चलो इस जादूगरनी गौथल के घर को। चूंकि ग्रामीण इतने गुस्से में थे, उन्होंने पलक झपकते ही घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि कीमती औषधि, जिसे गौथल ने बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, चारों ओर बिखेर दी। जब गौथल वापस लौटी तो उसका घर सिर्फ एक खंडहर रह गया था। वह लोगों की गति को देखकर वास्तव में बहुत हैरान थे। क्या हुआ? आप सबने मेरे घर की ये हालत क्यों की? सही, हाँ, हमने तुम्हारे दुष्ट घर को नष्ट कर दिया। जादूगरनी गौथल, अब इस शहर से बाहर निकल जाओ। आप लोगों को कैसे पता लगा कि मैं एक जादूगरनी? मुझे अपनी असली पहचान छिपाने के लिए माफ करें, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कृपया मुझ पर विश्वास करें। देखा, अंत में उसने सब कुछ स्वीकार कर ही लिया ना। अब ये क्रूर जादूगरनी हमसे बदला लेने के लिए लौट आई है, ये उस पर हमला करने का समय है। डोना द्वारा उकसाए जाने पर ग्रामीणों ने मिलकर गौथल पर पत्थर फेंके, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गई। एक मिनट रुकिए, कृपया मेरी बात तो सुनिए। भीड़ के बीच में डोना ने चुपके से जहर का एक मटका निकाला। उसने उसे गौथल पर छिड़क दिया, जिसके कारण उसने थोड़ी देर के लिए अपना सारा जादू खो दिया। जैसा कि गौथल सच में कमजोर थी, वे उसे आसानी से हरा सकते थे। डोना को उसके सुंदर और सुनहरे बालों से इतनी जलन थी कि उसने, यदि आप सब नहीं जानते तो बता दूं कि ये लाल बाल ही गौथल की शक्ति का कारण है। यदि हम इसे काट देते हैं तो वो अपना सारा जादू खो देगी। डोना की बात सुनकर गांव के रसोइये ने गौथल के सुनहरे बाल काटने का फैसला लिया। परिणाम ये हुआ कि उसके बाल छोटे हो गए और उसका चमत्कारिक प्रभाव भी कम हो गया। ग्रामीणों ने गौथल को एक गोदाम में रखा और लोगों को उसे बहुत ध्यान से देखने का आदेश दिया। दुर्भाग्यवश नॉलन को उसी दिन शहर छोड़कर जाना पड़ गया था। जब वह वापस लौटा, तभी उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका पर एक जादूगरनी होने का आरोप है और उसे एक गोदाम में कैद करके रखा हुआ है। नॉलन ने जल्दी से गौथल को बचाने का तरीका ढूंढ लिया। वो गोदाम में घुस गया और चौकीदार को सुलाने के लिए बेहोश करने वाली दवा का इस्तेमाल किया। गौथल को बाहर निकालने के लिए नॉलन ने रस्सी काट दी। होश में आने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने डोना पर बिल्कुल भी शक नहीं किया। इसके बजाय उसने सोचा कि नॉलन ही वह था जिसने उसके सारे रहस्य गांव वालों को बता दिए। नॉलन, कोई और नहीं, लेकिन तुमने ही ग्रामीणों को बताया है कि मैं जादूगरनी हूँ। अब तुम यहाँ मुझे बचाने का नाटक कैसे कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं, कृपया मुझ पर विश्वास करो गौथल। दिल टूट जाने के कारण अब वो नॉलन पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी गुस्सा थी। उसने उसे थोड़ी देर के लिए बेहोश करने की हिम्मत करी। मैं उस व्यक्ति को श्राप देती हूँ जिसने मेरे बाल काटने के लिए ग्रामीणों को उकसाने का साहस किया। वो व्यक्ति जीवन के लिए बूढ़ा और कुरूप हो जाए। पृथ्वी पर कुछ भी इस अभिशाप को नहीं तोड़ सकता। गायब होने से पहले गौथल का अभिशाप शहर में दूर दूर तक फैल गया। ये क्या हो रहा है? बाप रे, मेरी खूबसूरती को क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोना को बूढ़ा होते देख गांव वालों को पता चल गया कि वह वही है जिसने उन्हें उकसाया था और उसे गौथल के अभिशाप का शिकार होना पड़ा। गौथल, मैं तुमसे बदला लेने के लिए कुछ भी करने की कसम खाती हूँ। ये सब मेरी गलती के कारण है। गौथल, अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें मरते दम तक खोजता रहूंगा, ये मैं कसम खाता हूँ। तब से गौथल एक दुष्ट जादूगरनी में बदल गई। वो एक दूर के घर में अकेली रहने लगी, जिसका बाग ऊंची दीवारों से घिरा था, और उसने दूसरों से बात करनी बंद कर दी। उसके बाल अब नहीं बढ़ सकते थे। गौथल तब वृद्ध हो गई थी, सबसे अलग और पराई हो गई थी।
पूरे दिन वह केवल जादू का उपयोग करने का अभ्यास करती थी और अपने फूलों के बगीचे की देखभाल करती थी, विशेष रूप से पीले गुलाब का। गौधल ने हमेशा उन लोगों के खिलाफ एक शिकायत रखी जिन्होंने भी उसे इस स्थिति में डाला, खासकर नोलन, क्योंकि उसे अभी भी यही लगता था कि उसने ही उसके रहस्य का खुलासा किया। एक दिन एक गरीब जोड़ा गौथल के घर के बगल में रहने के लिए चला आया। पत्नी के गर्भवती होने के बाद से वे सभी बहुत खुश थे। गौथल ने एक जादुई शीशी का इस्तेमाल किया। उसके सुनहरे बाल मेरे पुराने बालों के सामने चमत्कारी हैं। अगर मैं इसे प्राप्त कर लूं, तो मैं पहले की तरह अपने बालों को बढ़ाने आखिरकार गौथल के अतीत का पता चल गया। क्या गौथल के लिए कोई सुखद अंत होगा? आइए रुपेंजल की अगली कड़ी के लिए वोआ फेरी टेल्स के साथ बने रहे। पिछले भागों में हमें रुपेंजल के बारे में पता चला, जो सुनहरे बालों वाली एक राजकुमारी है, जिसका राजकुमार एडम के साथ एक सुखद अंत रहा। इसके अलावा हमें गौथल जादूगरनी के बारे में भी पता चला, जिसने रुपेंजल को उसके माता पिता से गोद ले लिया था, और इस बात का पता चला कि वो इतनी दुष्ट क्यों हो गई थी। और इस भाग में वो फेरी टेल्स की मदद से ये पता लगाते हैं कि गौथल का अंत सुखद था या नहीं। क्या वो अपने पुराने अच्छे रूप में आ पाएगी? कहानी जारी रही। अब प्रिंस एडम के साथ रुपेंजल महल में लौट आई। कई उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद उसकी आखिरकार खुशहाल शादी हुई और वो अपने असली माता पिता से फिर मिल पाई। गौथल की तरह रुपेंजल वास्तव में प्रकृति से प्यार करती थी और उसने बहुत सावधानी से अपने बगीचे की देखभाल की। यहाँ तक कि उसने अपनी सौतेली माँ गौथल से महल के बगीचे में उगाने के लिए कुछ अनमोल सुनहरे गुलाब के बीज मांगे। गौथल के बारे में, उसे जंगल के बीच में ऊंचे मीनार में अकेले रहने की आदत हो गई थी। उसने केवल फूलों के बगीचे से दोस्ती की और सुनहरे गुलाबों की देखभाल की। हालांकि रुपेंजल और एडम एक साथ खुश थे, लेकिन वे गौथल से मिलने जाना कभी नहीं भूलते थे। वे अक्सर राजा और रानी के सामने सौतेली माँ गौथल के बारे में बात करते थे। उस समय नोलन नाम का एक पुराना सिपाही था जो उनके पास खड़ा रहता था। जब नोलन छोटा था, तब वह अकेला और भटकता हुआ जीवन जी रहा था। एक गिटार के साथ पैसा कमाने के लिए वो हर जगह जाता था और अपनी प्रेमिका सुंदर गौथल को खोजता था। जगह जहाँ वो गया, उसने छोटे लाल बालों और सुनहरे गुलाब के साथ लड़की के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। बेचारा वो अपने प्यार के कारण पागल हो गया। यहाँ पृथ्वी पर उसकी तरह के सुनहरे गुलाब कहाँ मौजूद है? जैसे जैसे समय बीतता गया, किसी ने भी अभी तक गौथल को ना देखा था, ना ही उसके बारे में कुछ सुना था। इतना परेशान होने के बावजूद उसने हार मानने का फैसला किया। उस दिन जब उसने अचानक सुना कि जंगल में कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। क्या कोई है? मेरी मदद करो! लगता है कोई मुसीबत में है। आवाज का पीछा करने पर उसने देखा कि राजा को एक शेर ने घेर लिया है। नोलन ने झट से पास में पड़े भाले को उठाया और राजा की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़ा। शेर उसके साहस से इतना डर गया कि वह जल्दी से भाग गया। धन्यवाद बहादुर शूरवीर, तुमने मुझे मौत से बचाया। महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं नोलन, सिर्फ एक भटकने वाला संगीतकार। तुम मेरे सभी सैनिकों से भी ज्यादा साहसी और बहादुर हो। क्या तुम मेरे अंगरक्षक बनना चाहोगे? अगर मैं राजा के साथ नई जगहों पर जाऊंगा, तो शायद मैं गौथल को ढूंढ सकता हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है महाराज। तब से नोलन राजा का अंगरक्षक बन गया। वो हमेशा वफादार था और साहसी था, इसीलिए राजा का पूरा भरोसा उसने जीत लिया। उस दिन जब एडम और रुपेंजल ने गौथल नाम की एक सौतेली माँ का जिक्र किया, तो उस बात ने नोलन को बहुत आश्चर्यचकित किया। गौथल, क्या वो वही है जिसकी हमेशा से मुझे तलाश है? नोलन ने एडम और रुपेंजल के बगीचे के बारे में सोचा, जिसका हमेशा रुपेंजल द्वारा सावधानी से ख्याल रखा गया। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने अपने बगीचे में सुनहरे गुलाब लगाए थे। वो एक अनोखा फूल था जो केवल गौथल द्वारा लगाया जा सकता था। आपके पास ये सुनहरे फूल कैसे हो सकते हैं राजकुमारी?
यह एक अनोखा प्रकार का गुलाब है जो मेरी सौतेली माँ गोथेल द्वारा बनाया गया है। आप इन्हें देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं। आप ठीक तो है? ओह मेरी गोथेल, मुझे आखिरकार तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी मिली। वो वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। राजकुमारी, कृपया मुझे बताओ कि गोथेल कहाँ है। मैं आपसे विनती करता हूँ। तो आप वह व्यक्ति हैं जिसके लिए मेरी माँ पछतावा करती थी। बढ़िया, हम आपको वहाँ ले जाएंगे। एडम और रोपेंजल जल्दी से नॉलिन को गोथेल के घर जंगल में ले गए। दुर्भाग्य से जब वे रास्ते में थे, दुष्ट जादूगरनी डोना ने उन्हें देख लिया। जैसा कि हार जाने के कारण वो अभी भी गुस्से में थी, उसने वहाँ पर कड़ी नजर रखी जहाँ गोथेल रह रही थी, और उसने बदला लेने की ठानी। ये समय उसके लिए अच्छा मौका था। वह तो नोलन है ना, उसका पुराना प्रेमी है ना। बहुत समय पहले उसने मुझे अनदेखा करने का साहस भी किया था। मैं गोथेल के करीब तीनों महत्वपूर्ण लोगों पर कब्जा कर लूंगी ताकि उसे आना पड़ेगा और उन सबको रिहा करने के लिए मेरे आगे गिड़गिड़ाना होगा। डोना ने तुरंत उनके रास्ते में बाधा डालने के लिए जादू का इस्तेमाल किया। वो आश्चर्य में उसे ढूंढते रहे और नॉलिन ने तुरंत अपने पुराने परिचित को पहचान लिया। क्या ये तुम हो डोना? क्या तुम भी एक जादूगरनी हो? क्यों? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी सारी दुनिया सिर्फ गोथेल है, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी याद नहीं हूँ। अब मेरी जादू के थैले के अंदर उतर जाओ। डोना ने उन तीनों को अपने जादू के थैले में फंसाने का इरादा किया, लेकिन एडम ने जल्दी से अपनी तलवार निकाल ली और रोपेंजल ने अपने बालों को एक ट्रक के चारों ओर बांधने में इस्तेमाल किया। केवल नॉलिन कुछ नहीं कर पा रहा था, बल्कि वो जादुई थैले की ओर खींचा जा रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं हवा के साथ जा रहा हूँ। अरे वाह, तुम सभी मेरे थैले में होगे। तुम क्रूर जादूगरनी हो, मैं तुम्हारी साजिश को कभी सच नहीं होने दूंगी। अपने बालों को मुट्ठी में बदलकर उसने डोना पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया और इस तरह जादूगरनी घायल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रापुंज़ेल आदम, क्या वो तुम हो? यह तो गोथेल है, वे जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। मैं इस स्थिति में उसे कभी नहीं हरा पाऊंगी। मुझे अभी जाना ही होगा। अभी यहाँ पर क्या हुआ है? रोपेंजल ने फिर गोथेल को पूरी कहानी बताई। माँ, कृपया जाकर नोलन को बचाइए। ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि वह आदमी नोलन ही है, ना कि कोई बहरूपिया है? लेकिन जब उसने पुराने गिटार को देखा जो नोलन हमेशा अपने साथ लाता था, ये देखकर गोथेल ने तुरंत उसे पहचान लिया कि ये नोलन है। दोना घायल हो गई है, इसीलिए वह नोलन को ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती। चलो अलग हो जाते हैं और उसे खोजने की कोशिश करते हैं। नॉलन को पकड़ने और दूर जाने के बाद वो थैले को लेकर पास की गुफा में छिप गई। उसने नॉलन को कुर्सी पर कसकर बांध दिया और इस तरह से उसने खुद को बहुत संतुष्ट पाया। डोना, मुझे जाने दो। तुमने पहले ही गोथेल और मेरी दोनों की जवानी को बर्बाद कर दिया। कोई और गलती मत करो। चुप रहो, यही समय है मेरे लिए तुम तीनों से बदला लेने का। जब तक तुम यहाँ हो, गोथेल को मेरी बात बिना किसी शर्त के माननी होगी। उस समय गोथेल ने भी निशान का पीछा किया और गुफा के प्रवेश द्वार का पता लगा लिया। ये जानते हुए कि डोना गुफा में थी, जादूगरनी ने उसे पुकारा। डोना, बेहतर होगा कि तुम नोलन को यहाँ ले आओ। मुझे यकीन है कि तुम अंदर हो। अपनी जल्दी, समय आ गया है कि तुम उसके लिए भुगतो जो तुमने मेरे साथ किया था। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि गोथेल बहुत दयालु है। डोना उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। बाहर जाकर गोथेल से मिलने के अलावा डोना के पास कोई और विकल्प नहीं था। दोनों जादूगरनियों ने एक दूसरे को जमकर देखा और फिर अपने जादू से डटकर मुकाबला किया। डोना, रापुंज़ेल के हमले से घायल होने के बाद तुम मुझसे मुकाबला कैसे कर सकती हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, जो मैं तुमसे हार जाऊंगी। नोलन को अभी छोड़ दो। यदि हाँ, तो मैं इस बार हमारी पुरानी दोस्ती के कारण तुम्हें माफ कर सकती हूँ।
मैं उसे इस हालत में नहीं लड़ सकती। शायद मुझे अपनी चाल का उपयोग करने की आवश्यकता है। गुथेल, मैं गलत हूँ, कृपया मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। तुमने यह पहले क्यों नहीं महसूस किया? हम सभी के लिए एक बेहतर अंत होने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन यह सिर्फ डोना का नाटक था। जब गॉथल ने ध्यान नहीं दिया, डोना ने चुपके से जादू किया। अचानक बर्फ का एक गोला गिरा और गॉथल को लग गया, जिसने उसे तुरंत जमा लिया। गॉथल, आज भी इतनी भोली क्यों हो? तुम कितनी मूर्ख हो जो एक जादूगरनी की बातों पर विश्वास करती हो। अब मुझे देखने दो, कौन तुम्हें बचा सकता है? डोना, तुम क्रूर हो, मुझे अभी बाहर आने दो। जब डोना अंतिम हमला करने वाली थी तो नॉलिन गुफा से बाहर निकल आया। जादू को रोकते हुए गॉथल को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। नॉलिन, नहीं! मूर्ख, उसने मेरा सारा जादू कैसे जान लिया? ये बकवास है। डोना, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुमसे जरूर बदला लूंगी। गॉथल गुस्से में लाल हो गई, क्रोध में उसके हाथ जलने लगे और वो आसानी से बर्फ के टुकड़े को तोड़ पाई और उसने खुद को मुक्त कर। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम ये कर भी कैसे सकती हो? गॉथल ने अपनी सारी ताकत एक आग के गोले में डाल दी और डोना पर फेंक दिया, इसीलिए वो जादूगरनी दर्द में तड़प गई और अंत में गायब हो गई। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? गॉथल, जब तक तुम सुरक्षित हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नॉलिन, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया था, कृपया मुझे अकेले मत छोड़ो। उस समय एडम और रुपेंजल भी वहां आ गए। रुपेंजल ने जल्द ही नॉलिन को ठीक करने के लिए अपने जादुई बालों का इस्तेमाल किया। उसके बालों से निकली एक रोशनी ने नॉलिन को धीरे धीरे ठीक होने में मदद की। अभी क्या हुआ? क्या मैं अभी भी जीवित हूँ? गॉथल, मुझे माफ कर दो कि अतीत में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। अब क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दे सकती हो और देखभाल करने दे सकती हो? नॉलिन ने गॉथल के छोटे बालों को धीरे से छुआ। चमत्कारिक ढंग से उसके बाल बहुत तेजी से बड़े और रुपेंजल की तरह लाल, लंबे और वापस से सुनहरे हो गए। अभी यह क्या चमत्कार हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बालों को अभी आपके सच्चे प्यार ने छुआ है। यही हमारे बालों का जादू है। गॉथल और नॉलिन बहुत खुश थे क्योंकि आखिरकार वे इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। रुपेंजल और एडम भी उनके लिए खुश थे। गॉथल अब जादूगरनी नहीं रही थी, वो अपने असली स्वभाव में बदल गई, जो एक दयालु और हसमुख व्यक्ति थी। नॉलिन के साथ वे महल के पास एक छोटे से गांव में रहने चले गई। उसने फिर से अपने पड़ोसियों से बात करना भी शुरू कर दिया। गॉथल एक दयालु जादूगरनी राजा और रानी से मिलने के लिए महल में गई। तब उसे पूरे राज्य की जादूगरनी के रूप में नियुक्त किया गया। उसने रुपेंजल के माता पिता के साथ भी झगड़ा खत्म कर दिया, जो अब उसके करीबी पड़ोसी बन गए थे। वे सभी एक साथ सुनहरे बालों वाली राजकुमारी रुपेंजल की